सब्सक्राइब करिए क्विक एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुप कुमार और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एंड्रॉइड फोन की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका फोन कभी भी हैंग नहीं करेगा और साथ ही साथ आपके फोन की स्पीड भी गेन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पर एक भी ऐप नहीं रखना है। देखिए, हमारे फोन के होम स्क्रीन पर इस समय 3 ऊपर ये और 2 नीचे, ये 5 ऐप हैं जिन्हें आपको रिमूव करना है। तो आपके भी फोन के होम स्क्रीन पर अगर ऐप्स हैं तो उनको आपको रिमूव कर देना है, जबकि ये ऐप तो ऑलरेडी हमारे फोन के मेन्यू में पड़े रहते हैं। तो बस सिंपली आपको रिमूव करने के लिए इस ऐप पर प्रेस करके रखना है और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो रीनेम का मिलता है, दूसरा रिमूव का। तो अगर आप रीनेम पर ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप एप्लीकेशन का नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप रिमूव करते हैं तो सिंपली आपका एप्लीकेशन रिमूव हो जाता है। अब देखिए, हमने एक एप्लीकेशन को तो रिमूव कर दिया, अब चलिए हम इसे भी रिमूव कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे फोन के होम स्क्रीन पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है, जो एप्लीकेशन थे उन्हें मैंने रिमूव कर दिया है। और दूसरे नंबर पर आ जाता है, आप अपने फोन के सभी अपडेट को डिसेबल कर दीजिए, जिसे प्ले स्टोर का हो गया। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्ले स्टोर की अपडेट को कैसे डिसेबल करना है। सबसे पहले आप मेन्यू में जाइए और प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं इस पे आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो अपडेट एप्स, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक करना है और सिंपली आपको डन कर देना है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है अनइंस्टॉल ऑल ऑफ नो यूज एप्स, यानी आप उन सभी एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए जो आपके यूज में नहीं है, यानी आप जिन एप्स को यूज नहीं करते हो। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ऐप अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर एक पीला कलर का गूगल का आलो का ऐप है, इस ऐप को मैं यूज नहीं करता हूँ, तो चलिए मैं इसे अनइंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपको इस पे प्रेस करके रखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो ऐप इन्फो का, दूसरा अनइंस्टॉल का। तो यहाँ पर ड्रैग करके आपको अनइंस्टॉल पे लेके जाना है और छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है डू यू वांट टू अनइंस्टॉल दिस ऐप, क्या आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, और सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है और ये ऐप अब अनइंस्टॉल हो चुका है। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ोन के साथ ऑलरेडी मिलते हैं, तो वो ऐप अनइंस्टॉल नहीं होते हैं, उन्हें आपको सिंपली क्या करना है, डिसेबल कर देना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एप्लीकेशन है गूगल प्लस का, मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, तो बस सिंपली, तो चलिए मैं इसे डिसेबल करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको इस पर प्रेस करके रखना है और इसे ड्रैग करके ऐप इन्फो पे ले जाना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फोर्स स्टॉप और डिसेबल का। तो एक बार यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप करना है और उसके बाद डिसेबल कर देना है। अब देखिए ये ऐप बिल्कुल डिसेबल हो चुका है। और चौथे नंबर पर आ जाता है क्लियर ऑल कैश्ड डाटा। अब ये क्या होता है, चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मेन्यू में जाना है, उसके बाद आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टोरेज एंड यूएसबी का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंटरनल स्टोरेज एंड एसडी कार्ड। तो
यहाँ पर आपको सिंपली इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैश्ड डाटा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। और ये काम तो आपको हफ्ते में एक बार जरूर करना है। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना एंड्रॉयड फोन की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन को सेव कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।